सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देती हैं। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। हम असफलता से सीखते हैं, सफलता से नहीं। आज का पंचांग 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 9:05 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सद्भिषा नामक नक्षत्र सुबह 9 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:22 से 4:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 1:11 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। आप सभी को रामकृष्ण जयंती, फुलेरा दूज, चंद्र दर्शन की शुभकामनाएं। वृषभ राशि 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार, आपके अनिर्णय की स्थिति से बिना बात की परेशानी पैदा हो सकती है। परिवार से जुड़े और रियल इस्टेट से जुड़े हुए मुद्दों को आपको अब गंभीरता से लेने की जरूरत है। आपको इससे संबंधित कोई पत्र प्राप्त होगा। पुराना अधूरी अनसुलझी बातें अब आपको परेशान करेगी और आप इन्हें सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक संबंधित उचित रिश्ता हो सकता है। कोई धार्मिक यात्रा से संबंधित योजना भी बनेगी। किसी महत्वपूर्ण या राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात होगी, अधिक लाभदायक साबित हो सकती है। जिद की वजह से अन्य लोगों की बातों को समझना कठिन होगा। परिवार के लोगों के साथ हो रहे विवाद की वजह जोखिम होगी। उम्र में आपसे छोटा व्यक्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। किसी से विवाद ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। टारगेट काफी बड़ा महसूस होगा जिसे दूर करने के लिए अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी होगी। स्वभाव में आ रहे नकारात्मक बदलाव का असर रिलेशनशिप पर हो सकता है। बदन दर्द की तकलीफ बढ़ने की संभावना है। सावधानियां, परिवार के ही किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न होने से टेंशन रहेगी। बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से समस्या और बिगड़ सकती है, इसलिए सावधान रहें तथा घर के मामलों को आपस में ही निपटा लें तो उचित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको अपने पार्टनर के ही भले के लिए उनसे किसी बात पर कहा सुनी करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि उन्हें आपकी बात अच्छी ना लगे, लेकिन आपको उन्हें अपनी बात समझानी होगी। इस बात को बहुत अधिक लंबा ना खींचें, नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है। शांति से पेश है। शाम को आपके सुलझे हुए व्यवहार के कारण आपको अपने पार्टनर से और भी अधिक सम्मान मिलेगा। बात करते हैं करियर की। आज आपको पीछे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। वे आपके बारे में अति गोपनीयता से आपके बारे में गलत बातें आपके मालिक तक पहुंचा सकते हैं, जिसका साक्ष्य भी आपको मिल सकता है। अतः सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध को संयमित रखें ताकि आपके कार्य क्षेत्र पर इसके उल्टा प्रभाव ना पड़े। इसके विपरीत आपको अपने किए गए वादे को पूरा करके समय पर दिखाना होगा, जैसे कि आपने वादा करते वक्त कहा था। गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। रुका हुआ उधार दिया हुआ पैसा पाने में सफल रहेंगे। बिजनेस की प्लानिंग गुप्त रखें, इसका दुरुपयोग हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित गतिविधियां अभी रुकी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। अपने सामर्थ्य से ज्यादा कार्य ना करें। सर्वाइकल या मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है। आयुर्वेदिक इलाज लें। आज कई लोग अपने भीतर अचानक काफी ऊर्जा अनुभव भी करेंगे
और कोई ऐसा काम हाथ में लेंगे जिसे आप काफी समय से टालते आ रही थी। कोई नया खेल खेलने या शारीरिक व्यायाम का कोई नया तरीका अपनाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित आज आपकी सभी अच्छी इच्छाएं पूरी होगी, इसीलिए आज अपना ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छा दिन है और इसका प्रयोग अपने फिटनेस संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने में करें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।